कैसा कोई तुम्हारे मुंह पे थूके उससे ज्यादा इंसल्ट मानो फर्जी मुकदमे। सर इवन मैंने सर 2 अक्टूबर को हम लोग को सारे आईजी और सारे मतलब डीएम आवास पे डीएम कार्यालय पे बुलाया गया था, तो मैंने कहा भी था अपने मुकदमे को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि तुमने अपना वर्क नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि लीगल सेल बनाओ, एक एक मुकदमे को साबित करो कि क्यों झूठा है। चेक करवाऊंगा मैं, देखूंगा इस बार। सर इस बार मैं हम लोग कोर्ट जाएंगे, मैं मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा तुम्हारे मुकदमे। बिल्कुल सर, हम लोग कोर्ट जाएंगे सर, हर चीज़ के लिए कोर्ट जाओ। कोर्ट इसीलिए अधिकतर वहाँ भले कोई बहुत बड़े पद पे भी कोई आदमी हो, फिर भी तुम्हारी बात इसीलिए कोर्ट सुनेगी कि कोर्ट में, कोर्ट की एक मजबूरी भी है और खासियत भी है कि चूंकि उसको उसको जैसे कि पुलिस जो कार्रवाई करती है वो गुपचुप कर सकती है, कर लेती है, कोर्ट को सारी कार्रवाइयाँ खुली करनी पड़ती है और उसके ऑर्डर सार्वजनिक होते हैं जी। इसीलिए एक सीमा के बाहर बेईमानी नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह इज्जत की बात आ जाती है, प्रक्रिया की बात आ जाती है, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया की बात आ जाती है। इसीलिए तत्काल हर मामले में कोर्ट निश्चित जाए। ये तो सम्राट सर है, मुकदमा करा दिए उनके नियुक्ति पे, वरना किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कोर्ट जाए उनके खिलाफ। अरे ऐसा नहीं, देखिए आज में भले आज लग रहा है, कल को स्थितियाँ बदल जाएंगे, कल को तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो 2 मिनट में होता है कोई चीज़। देखिए मामला ये है कि बी ए एम ए के छात्र हैं, बी ए एम ए छात्र जो लड़का भी यहाँ यूनिवर्सिटी में कभी कोर्ट गया ही, तो क्या जाए। अरे भाई तो देखिए जब यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए तो कोर्ट का और पुलिस का दरवाजा साथ साथ इसके साथ यहीं से खुलता है। अब वहाँ वह इनोसेंस ना दिखाइए कि हम यहाँ तो बैठेंगे और कोर्ट नहीं पहचानेंगे, यह नहीं। दो चीज़ नकलों की, जैसे मान लीजिए मैं नेतागिरी कह रहा हूँ से, तो मुझे हमेशा तैयार होना पड़ेगा कि भाई मर्जी मुझ पर कोई एक्शन नहीं। हम कहेंगे अरे साहब हम तो राजनीति ही कर रहे थे, राजनीति ही तो, राजनीति आज से थोड़ा ही है, ऐतिहासिक काल से राजनीति पर ही तो जेल है। कोई क्रिमिनल को थोड़ी कभी जेल होता है, नेताओं पर ही जेल होता है। महात्मा गांधी को क्रिमिनल नहीं थे ना, और तो सालों साल जेल में है। तो अगर तुम राजनीति कर रहे हैं, तेरा छात्र राजनीति ही सही, तो तुमको जेल के लिए और पुलिस के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और उसके लाए उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। मतलब इसको करवा देना हर चीज़, इसका नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हर वो चीज़ जो एफ आई आर हुआ है उसका अपने एफ आई आर को पुरजोर पैरवी, दूसरे के एफ आई आर का कड़ा, ठीक है ना, अपने एफ आई आर का अपने कड़ी पैर पूर्व पुरजोर पैरवी है, दूसरे के एफ आई आर का कड़ा। हम इसी चीज़ में तुम्हारी मदद मेन कर सकते हैं और यही तुम्हारी मेरे ख्याल से तुम लोग की मेन कमजोरी भी है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि संख्या बल तुम्हारे पास काम लायक है कि नहीं, है ना, समर्थन भी काम लायक है, ठीक है।